दिवाली से पहले कैसे होगी धनवर्षा, सुख समृद्धि देने वाला कौन सा होगा वो व्रत, जिस व्रत में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से मिलेगी सुख समृद्धि, कैसे करें इस व्रत की पूजा विधि। आपको बता दें कि दीपावली के चार दिन पहले आने वाली एकादशी को लक्ष्मी के नाम पर रमा एकादशी कहे जाने वाला व्रत पड़ेगा, जो कि इस बार 21 अक्टूबर को होगा। ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं। वही पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है, वही किए गए जाने अनजाने में पाप भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस व्रत को करे कैसे, कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जिससे माँ लक्ष्मी का होगा घर में आगमन। जी हाँ, आपको बता दे कि सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान करें। ऐसा ना कर पाए तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दे। फिर एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का अभिषेक और पूजा करे। अगर आप धन धान से संपन्न हैं तो किसी ब्राह्मण से ये पूजा करवाएं। गीता पाठ भी करवा सकते हैं। वही भगवान को केले या किसी मौसमी फल का भोग लगाएं। साथ ही इसका प्रसाद सभी में बांटें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी दे। वही पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है। यह व्रत करने से समृद्धि और धन बढ़ता है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी माँ जल्दी ही प्रसन्न होती है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। वही व्रत के बाद विष्णु लोक मिलता है। पद्म पुराण में क्या है इस व्रत कथा की कहानी, आज हम आपको बताते हैं। मुचकुंद नामक एक धार्मिक और सत्य बोलने वाला राजा था। उसकी दोस्ती इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से थी। उसके राज में सभी सुखी थे। वही चंद्रभागा नाम की उसकी बेटी थी, जिसकी शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुई थी। एक दिन शोभन अपने ससुराल आया तो उस दिन एकादशी थी। शोभन व्रत करने का मन बनाया, लेकिन चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। उसके पिता के राज में सभी एकादशी का व्रत रखते, कोई भी उस दिन अन्न नहीं खाता था। शोभन ने पत्नी से ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे व्रत भी पूरा हो जाए और तकलीफ भी ना हो, लेकिन उपाय ना मिल सका। वही शोभन किस्मत के भरोसे व्रत रख लिया, लेकिन वो भूखा प्यासा नहीं रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। पिता के विरोध की वजह से वो सती नहीं हुई। मरने के बाद रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत के शिखर पर बहुत अच्छे देवनगर मिला। वहां उसे बहुत सुख था। एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर आए तो उन्होंने अपने दामाद का वैभव देखा। वापस अपनी नगरी आकर चंद्रभागा को बताया। वो बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के पास चली गई। अपनी भक्ति और रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।